महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अपनी लोकसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। एथिक्स कमेटी ने उन्हें उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से पैसे और उपहार लेकर सवाल पूछने के साथ ही एक और उद्योगपति गौतम अडानी को निशाने पर लेने वाले सवाल पूछने का दोषी पाया गया। कमेटी की सिफारिश पर महुआ के खिलाफ सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया है, जो कि ध्वनिमत से पास हो गया, जिसके बाद विपक्ष ने महुआ के समर्थन में वॉकआउट कर दिया। गुड़लावे की महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहां पर सांसद है। इससे पहले एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान डीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बनर्जी ने पार्टी की तरफ से महुआ मोइत्रा को ही बोलने देने की अनुमति मांगी गई। हालांकि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2005 में 10 सांसद की सदस्यता रद्द करने का उदाहरण बता दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने साफ कहा था कि सांसद को एथिक्स कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिला है, इसलिए अब सांसद की गरिमा गिराने के दोषी पाए जाने के बाद वो सदन में बोलने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। रमेश बिदूरी स्टैंड्स अप इन पार्लियामेंट एंड सेज टू दानिश अली, ही इज वन ऑफ 26 मुस्लिम एमपीज, ओनली वन ऑफ 26 इन अ कंट्री ऑफ 200 मिलियन मुस्लिम्स। द बीजेपी हैज 303 एमपीज एंड हैज नॉट सेंट वन मुस्लिम टू पार्लियामेंट। रमेश बिदूरी स्टूड अप एंड टोल्ड दानिश अली, No action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানে শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. Jab naash manush par chhata hai, to pehle vivek mar jata hai. We're going to come back and we're going to see the end of you.